तो गाइस एक और बार मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टेक्नो गेमर्स का एकदम अपडेटेड माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो वीडियो को जरूर से एंड तक वॉच करते रहना, क्योंकि वीडियो के बीच में कई पासवर्ड है और उस पासवर्ड के बिना आप इस वर्ल्ड को एक्सेस नहीं कर पाओगे। और जेड आर्चीवर में भी इस बार फाइल की जो कॉपी पेस्ट की जो लोकेशन थी वो भी चेंज हो चुकी है, तो उसे भी एकदम ध्यान से ज़रूर से देख लेना वरना ये काम नहीं करेगा। तो सब कुछ तो मैंने आपको दिखा ही रखा है पिछले अपडेट में, पूरा जू तो मैंने आपको दिखा ही दिया था, पर एक और बार मैं आपको दिखा दूँ जो इस बार उन्होंने अपडेट किया है। और ये वाला जो अपडेट है ये मैंने खुद बनाया है, और जो ये वर्ल्ड किसी और का है बट ये अपडेट मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ग्रास लगी थी बट ये शीट ने खा ली। यहाँ पे आपको देखो स्विमिंग पूल, और जैसे जैसे उन्होंने अपने वर्ल्ड में एक एक ब्लॉक लगा रखा वैसे वैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। एंड यहाँ पे देखो आपको सैंड पांडा हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखो डिवाइडर भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो बीच में वॉल भी बना रखी है मैंने जो डिवाइडर था। एंड यहाँ पे देखो आपको एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई एनिमल कम लगता है तो आप जाके इसे स्पॉन एक्स से भी जाके स्पॉन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी जगह बना रखी है। एंड यहाँ पे देखो हर जगह डिवाइडर बना रखा है। एंड यहाँ पे पूरे में ग्लास पेंच भी लगा रखे हैं। एंड ये देखो सब एनिमल्स के लिए अलग अलग जगह बना रखी है। एंड यहाँ पे कुछ एनिमल्स है और कुछ चाहो तो आप स्पॉन कर सकते हो। ये देखो एकदम मस्त अपडेट है। यहाँ पे देखो लैक्टन भी लगा रखा है, मैं आपको पूरा एंड तक दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो कैट्स भी है। एंड यहाँ पे आपको वुल्फ भी देखने को मिल जाएगा जिसे आप डॉग कहते हो। और यहाँ पे देखो एंड तक ये देखो सेम टू सेम बना रखा है। और यहाँ पे देखो जैसे उन्होंने अपने वर्ल्ड में एक जगह फाउंटेन बनाया था ना, देखो वो भी मैंने यहाँ पे सेम टू सेम बना रखा है। ये देखो वहाँ से पानी भी बहता हुआ आ रहा है, साइड में सैंड और लैक्टिन देखो कितने ज़्यादा ओपी लग रहे हैं देखने में। और इस वर्ल्ड में आपको गोल्ड फार्म भी देखने को मिल जाएगा जो कि उन्होंने अपने वर्ल्ड में बनाया था, वो भी मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से, क्योंकि इस अपडेट को बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत। और इस वीडियो पे भी अपना पिछले वीडियो जैसा ही रिस्पॉन्स दिखाना, उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। तो अब मैं आपको सीधा जाके गोल्ड फार्म दिखाता हूँ। और इस वर्ल्ड में आपको सारे वर्किंग फार्म्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखो ये कौन सा फार्म था, उनका कल्फ फार्म था आई थिंक, इनका कैल्फ फार्म जो भी है। और ये देखो ये कॉपर स्टोन फार्म है, ये सारे फार्म एकदम वर्क करते हैं। तो सिंपली मैं आपको गोल्ड फार्म दिखाता हूँ। और ये देखो यहाँ पे गोल्ड आ भी रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो किसी ना किसी चेस्ट में होगा। ये देखो ये नेदर पोर्टल से सारा गोल्ड इधर आ रहा है सीधा वहाँ से। यहाँ पे देखो किसी ना किसी चेस्ट में होगा। ये देखो इस चेस्ट के अंदर गोल्डन नगेट्स आ चुके हैं और ये सारा वर्क कर रहा है। एंड इसके नीचे भी चेस्ट है, उसके अंदर भी आ रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो इस चेस्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा गोल्ड। ये देखो यहाँ पे भी 16 गोल्ड आ चुका है। एंड कासल दिखाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने उनका कासल देख रखा है, एकदम सेम टू सेम बना रखा है। अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया तो आपको तो पासवर्ड मिल ही गया होगा। और अगर आपको ये वाला वर्ल्ड डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मीडिया फाइल की लिंक मिल जाएगी, किसी और वेबसाइट की नहीं मिलेगी। सिंपली इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसे जेड आर्चीवर में फाइंड कर लेना है आपको। और अब आपको एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि आप फाइल स्टोरेज की लोकेशन एकदम चेंज हो चुकी है। सिंपली आपको इसे लॉन्ग प्रेस करके कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली करके डिवाइस मेमोरी में चले जाना है। डिवाइस मेमोरी में चले जाने के बाद सिंपली आपको एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डाटा पे चले जाना है। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे आपको mojang.mine.pe ढूंढ लेना है। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा फाइंड करोगे आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा com.mojang.mine.pe। इस पर क्लिक करना है, देन आपको फाइल्स पे क्लिक करना है, फिर गेम्स पे क्लिक करना है, फिर com.mojang पे क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको mine.worlds पे क्लिक करना है। माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट करने के बाद इसे आपको फाइल को दोबारा से यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो ये रही फाइल। एंड इसके ऊपर सिंपली आपको वन टैप करना है। एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। मैंने इसे दुख कर रखा है इसलिए रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। एंड अगर आपने वीडियो फुल वॉच की होगी तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। एंड ओके पे क्लिक करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद सिंपली बस आपको अपनी माइनक्राफ्ट ओपन कर लेनी है, और आपके माइनक्राफ्ट में एक टेक्नो गेमर्स वर्ल्ड नाम से वर्ल्ड आ जाएगा, जाके एंजॉय कर सकते हो, एकदम अपडेटेड वर्ल्ड है। एंड इस वर्ल्ड में कोई कमी रह गई हो तो वो भी जाके मेरे को कमेंट में जाके जरूर से बता सकते हो। और इस अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर जाके जरूर से कर देना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यार फटाफट से पुराने बन जाओ। क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो। और मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
टू।